खोखो में देते एक दूसरे को खो। आज के मेहमान है दादागिरी करने वाले शो। हाँ तो आज हम बात करेंगे रोडीज और बिग बॉस का 50-50% मिला के एक शो बनाया है, जिसमें से शो वालों को लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लोग हगे मुते कीचड़ में मुंह डुबोले और एक दूसरे की बुंडी क्यों ना फाड़ दे, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस टीआरपी कमाना है। तो आप समझ गए होंगे आज हम किस बकरबंद शो के बारे में बात करने वाले हैं। और अब तक कुछ समझा नहीं हो तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अभी बात कर रहा है ना मैं। और पिछले वीडियो में भी तू आया था पर तभी तुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिकार करना नहीं बोला। हाँ तो उस शो का नाम है बिंदास काव्या, नहीं बिंदास दादागिरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सर हैं। अबे नाथू स्पॉन्सर किधर है? नहीं है नहीं है, इसके पास तो नहीं है। जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे। तो चलिए गुरु हो जाते शुरू। ये है दादागिरी टेलीविजन मीनस गेम शो। एक फच्चा हो चुका है बाहर। नहीं नहीं वापस से बोल, कुछ समझा नहीं। एक फच्चा। अभी भटके हुए टट्टे इन्हें बच्चा बोल रहा है, ये इतने बड़े ना कि तेरी मार दे। और भटके हुए टट्टे कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। फच्चा फच्चा। इनके लिए चैलेंज लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से ये आया और जो पोज दिया है ना, इसे देख के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, चूतिया। हाँ शुरू करने से पहले मैंने कुछ इन्वेंशन किया था कि अगर तुम लोग अपना थूक अपने फेस पे लगाओगे तो तुम्हारा स्किन कभी खराब हो ही नहीं सकता। अभी ये क्या इन्वेंशन है? अगर ये बात न्यूटन और अल्बर्ट दादा ने सुना होता ना, तो वो लोग तभी 10 बार बिल्डिंग से कूद जाते। और एक बात सूखी हुई टट्टी तू बता, पैदा होते ही क्या खुद का मुंह में डाल लिया था क्या, जो ऐसे चोर बाजारों वाले इन्वेंशन किया है? मतलब एक बात है, जजिया गेस्ट बन के आ जाओ और किसी की भी मैया छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, मिलिंद गब्बा का गाना यार मोड़ दो। मैं कहता हूँ कोई इनकी फोड़ दो। मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। रेड फोर्ट दिल्ली में है? अरे च्यवनप्राश की च्यवन चूती है, ऐसे सवाल तो हमें फोर्थ क्लास में पूछा जाता था। प्रीति जिंटा एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है। वाह क्या सवाल पूछा है, ताली बजाओ। नहीं बे तेरा आना जरूरी था, या उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है। प्रीति जिंटा एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है। इस सूखी हुई टट्टी के ऐसे सवालों से 50,000 कैश मिलेगा तो मैं पहले जाऊंगा। और हमारे स्कूल की बुक में ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि जिससे हमारी तो क्या सर की भी फट जाती थी जवाब ढूंढने में। और यहाँ ये रेड फोर्ट प्रीति जिंटा के बारे में पूछ रहा है। हाँ, हाँ। इनकी ये सब बकवास देख मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, मजाक बना रखा है। अगर आज आप बनते हैं दादागिरी के चैंपियन और घर लेके जाते हैं 50,000 रुपीज, क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो गांड का कीड़ा निकाल के तेरी गांड में डाल दूंगा। साउंड्स कूल। ईशा द गॉडेस जो सबका बैंड बजाने में स्पेशलाइज करती है। अगर ऐसी बैंड बजाने वाली हो तो हम पूरी जिंदगी झिंगा लाला करने के लिए भी तैयार है। और क्या माल है यार। हाँ, हाँ। इन्होंने पार कर दी है सारी हदे, भगवान करे इनकी कोई जम के मार दे। बचाओ बचाओ। बेबीन होना सही काम नहीं। नो क्यों, देख के ही फट गई। ऐसी माल हो तो बैंड किसकी नहीं फटेगी, बैंड फटेगी। और ऐसी माल देख के ताते विंसु भी दीवार को कलर कर दे। Why don't you go and then you go? How can you slap? How can you slap? You mad or what, bloody? How can you slap? अब कोई कमेंट में लड़के को गलत बोला ना कि उसे लड़की की कदर करनी चाहिए थी, तो सुनो बे, लड़की को उसे उकसाना नहीं चाहिए था और उकसा के मारना भी नहीं चाहिए था। और जो कोई मानता है कि लड़के ने सही किया तो कमेंट करो हाउ कैन शी स्लैप। इस सब सीन के बाद आप सोच रहे होगे कि ये सेलिब्रिटी बन गया होगा और ये जेल में होगा, तो ये अभी नापतोल की एड करता है और ये जोधा अकबर की सीरियल में एक्टिंग करता है। मतलब लोगों ने भी इसका साथ दिया और कमेंट किया। How can this happen? बचाओ, बचाओ। इतना सारा कैंसर देख के अगर कोई कमेंट किया ना कि ये शो ठीक था तो ठीक कहा है? अरे ठीक है, आई गेस आई एम डन ओवर हियर। थैंक्स गाइस। निकल पहली फुर्सत में निकल।
बचाओ बचाओ। रोटी का आकार होता है गोल। इलेक्शन के रिजल्ट से पहले दिखाते एग्जिट पोल। ये सारे ये शो देख के पहली बार, और जिसने भी ये शो बनाया ना उसके पूरे खानदान से रंडी का नाच नचाएंगे। बचाओ बचाओ। बहुत ताकत होती है सांड में, लगाऊंगा इनके गांड में। हाँ, हाँ। ना तू फोन लगा इनके शो को, इनकी कह के लेते हैं। Sorry, the number you have dialed. फोन नहीं उठा रहा मैं। ठीक है, अगली बार देख लेंगे और उस टाइम भी इनकी गांड के रख देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, लाइक कायम करते 4000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटा भी दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। और कमेंट करो दिल की भड़ास निकालो। इंस्टाग्राम पे आओ बातें करेंगे, और वीडियो से रिलेटेड जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। Boom, boom, boom.